Hi everyone, in this video I'm going to share with you new job notification. ये वैकेंसी आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसरो की तरफ से. इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है 6 अगस्त से ही, लेकिन इसकी वेबसाइट में नहीं शो हो रही थी, इसी वजह से मैं लेट लेकर आई हूँ. आज शो हुई तो इसी वजह से आज मैं लेकर आई हूँ. ये वैकेंसी पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी तीनों लेवल के लिए. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीजीटी. पीजीटी में सबसे पहले मैथ्स की वैकेंसी है. मैथ्स में 2 पोस्ट की वैकेंसी है, जनरल के लिए 1, ओबीसी के लिए 1. और आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपका इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट अगर है एमएससी विथ बीएड, कहाँ से? रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी की तरफ से, एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, तब भी चलेगा. या फिर आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स के साथ, साथ में आपका बीएड होना चाहिए. और आपकी जो प्रोफिशिएंसी, दैट मींस जो मीडियम है, वो इंग्लिश में होनी चाहिए और कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए. और अभी चलिए देखते हैं फिजिक्स के लिए. फिजिक्स में सिर्फ 1 पोस्ट की वैकेंसी है, ये भी आपका इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी विथ बीएड अगर है कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से 50% मार्क्स के साथ में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं. अदरवाइज आपका एमएससी होना चाहिए, एमएससी इन फिजिक्स में विथ बीएड, प्लस आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा पाए और आपका कंप्यूटर्स में नॉलेज होनी चाहिए. साथ में देखते हैं बायोलॉजी के लिए. बायोलॉजी में भी 1 पोस्ट की वैकेंसी है, इंटीग्रेटेड कोर्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से अगर है किस सब्जेक्ट में, बॉटनी या फिर जूलॉजी में, विथ 50% मार्क्स के साथ में. इंटीग्रेटेड कोर्स मीन्स एमएससी विथ बीएड. या फिर ये अगर नहीं है ऊपर वाला, तो फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपका किस में, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी या फिर प्लांट फिजियोलॉजी. इन सब में किसी एक में अगर आपका एमएससी है विद 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए और आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा पाएं, प्लस आपका कंप्यूटर नॉलेज हो, ये सारी चीजें बायोलॉजी के लिए चाहिए. केमिस्ट्री में 1 पोस्ट की वैकेंसी है, इसमें भी इंटीग्रेटेड पोस्ट अगर ग्रेजुएट है कि सर्टिफिकेट अगर आपके पास आपने की है, दैट मीन्स कोर्स वर्क किया है कहाँ से, कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से 50% मार्क्स के साथ, किस में, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, या फिर एमएससी केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपका बीएड की डिग्री होनी चाहिए, साथ में आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा पाए और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए. तो ये जो आपका पीजीटी की जो वैकेंसी है, पीजीटी में आपके पास या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स में क्या होना चाहिए, एमएससी विथ बीएड. जो कौन कराता है, कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी की तरफ से होती है. या फिर ये नहीं तो आपके पास क्या होना चाहिए, एमएससी प्लस बीएड ये होनी चाहिए, तभी जाकर के आप पीजीटी में एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं. चलिए अभी देखते हैं टीजीटी. टीजीटी में क्या है, सबसे पहले वैकेंसी है आपका मैथ्स की तरफ से, 2 पोस्ट की वैकेंसी है, जनरल में 1, ईडब्ल्यूएस में 1. तो इसमें 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए कहाँ से, कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी की तरफ से, विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में, विथ मैथ्स ऑनर्स में, तब आप एलिजिबल है. अदरवाइज आपका बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, बीएससी इन मैथ्स विथ बीएड, विथ बीएड होना चाहिए, विथ क्या होना चाहिए, सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए. सीटेट क्वालिफाइड है और आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा पाए, इस चीज की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, साथ में आपके पास कंप्यूटर नॉलेज हो, तब आप एलिजिबल हैं. टीजीटी में क्या चाहिए आपको, बीएससी दैट मीन्स ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन बोल सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट जिसको बोलते हैं, यूजी की डिग्री प्लस बीएड प्लस सीटेट, ये 3 चीजें चाहिए, तब जाकर का एलिजिबल है. तो यहाँ पे मैथ्स है, हिंदी में भी आपका क्या होना चाहिए, अगर 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड कोर्स आपने किया है कहाँ से, कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी की तरफ से, किस में, हिंदी में, विद 50% के साथ में अगर है, या फिर आपका क्या होना चाहिए,
बीए इन हिंदी ग्रेजुएशन यूजी इन हिंदी विद बीएड प्लस सीटेट, तब जाकर के आप एलिजिबल हैं। इंग्लिश में वन पोस्ट की वैकेंसी है। इसमें क्या है, आपका 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए इन इंग्लिश में। कौन से कॉलेज से, कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी की तरफ से विद 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ विद बीएड प्लस आपके पास सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए और आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री की तरफ से। केमिस्ट्री में वन पोस्ट की वैकेंसी है। केमिस्ट्री में भी आपको 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए विद केमिस्ट्री में रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी की तरफ से विद 50% मार्क्स के साथ। अगर ये नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, बीएससी विद केमिस्ट्री विद क्या चाहिए, बीएड चाहिए, साथ में आपके पास क्या चाहिए, सीटेट चाहिए, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए और इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ा पाए इस चीज की कैपेबिलिटी होनी चाहिए और साथ में आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। तो ये फिर बायो में देखिए, बायो में वन पोस्ट की वैकेंसी है। ये भी आपका इंटीग्रेटेड कोर्स अगर है आपके पास में बोटनी या फिर जूलॉजी में, कितने इयर्स की, 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड कोर्स, 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड कोर्स, दैट मीन्स यूजी प्लस बीएड होता है, यूजी प्लस बीएड। और अगर आपके पास 5 इयर्स की इंटीग्रेटेड कोर्स होती है तब आपके पास हो जाता है पीजी प्लस बीएड हो जाती है, इस चीज को इंक्लूड किया जाता है। तो 50% के साथ होना चाहिए तब आप एलिजिबल है, अदरवाइज आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए बोटनी या जूलॉजी में विद 50% मार्क्स के साथ में, और साथ में अदर टू सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन होने चाहिए आपके पास क्या होनी चाहिए, केमिस्ट्री बोटनी या फिर जूलॉजी विद बीएड की डिग्री होनी चाहिए प्लस आप सीटेट क्वालिफाइड हो और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए और साथ में आपके पास कंप्यूटर्स की नॉलेज हो। ये सारी चीजें आपको चाहिए बायोलॉजी के लिए, तब आप एलिजिबल हैं। अभी हम लोग चलिए देखते हैं पेट मेल, दैट मीन्स क्या है, फिजिकल एजुकेटर जो टीचर्स होते हैं गेम्स के टीचर उसको बोलते हैं। उसमें मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए। मेल में वन पोस्ट की वैकेंसी वो भी ओबीसी में, और फीमेल में वन पोस्ट की वैकेंसी है एससी में। तो आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में या फिर इक्विवेलेंट। इसमें मतलब पेट के लिए आपको क्या चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या अगर उससे ज्यादा है तो तब भी चलेगा। अभी चलिए देखते हैं पीआरटी। पीआरटी में 5 पोस्ट की वैकेंसी है, जनरल में 3, ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1। तो इसमें आपको क्या डिग्री चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएलएड। डीएलएड आपके पास होना चाहिए, डीएलएड है ना, डी एल एलिमेंट्री, डी ई एड होती है, डी एल एड होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए आपके किसके साथ, 10+2 के साथ, 10+2 विथ डी एल एड होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन विद बी एड किया है तो तब भी चलेगा, और आपके पास सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, पेपर 1 कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट पेपर 1। पेपर 1 में आपके पास होना ही चाहिए, दैट मीन्स पेपर 1 में सीटेट में एकदम आप क्वालिफाई किए हो तभी जाकर के आप एलिजिबल हैं, और आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की और आपका नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर में। तो आप सीधे तरीके से जान जाइए अगर आप पीजीटी में एलिजिबल हैं, अगर कैसे एलिजिबल है, पीजीटी के लिए आपको क्या चाहिए, एमएससी डॉट हम लिख देते हैं पीजी पोस्ट ग्रेजुएट विथ बीएड, पोस्ट ग्रेजुएट विथ बीएड चाहिए। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टीजीटी में क्या चाहिए, अंडर ग्रेजुएट दैट मीन्स ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, सीटेट का, सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज सब में जरूरी है। और पीआरटी के लिए आपको क्या चाहिए, पीआरटी के लिए 10+2 होना चाहिए प्लस आपके पास डीएलएड होनी चाहिए, डीएलएड होनी चाहिए प्लस सीटेट किसमें, पेपर 1 में, सीटेट विद पेपर 1 में अगर आप क्वालिफाइड है तब चलेगा, प्लस कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज सब में चाहिए ही चाहिए और आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, दैट मीन्स आप पढ़ा पाए, आपका टीचिंग मेथड्स इंग्लिश में होना चाहिए। अभी चलिए देखते हैं कि क्या क्या लेवल में आपको दिया जाएगा। पीजीटी 1-4 नंबर कोड है क्योंकि उसमें क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है,
तो पीजीटी में लेवल 8 पे स्केल आपको मिलेगा 47,600 से 151,100। आपका एज लिमिट है 18 टू 40 ईयर्स के बीच में। आप एज लिमिट अपना कैसे देखेंगे, 28 अगस्त से आप माइनस कीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ को, तो आपको पता चल जाएगा आप इसमें एलिजिबल हैं या नहीं है। आप फिफ्थ 11 दैट मीन्स टीजीटी के लिए आपका लेवल 7 है। लेवल 7 में 44,900 टू 142,400 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी और आपका एज लिमिट है 18 टू 35 ईयर्स। नेक्स्ट है प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर को लेवल 6 में रखा गया है जिसको पे स्केल मिलेगा 35,400 टू 112,400 के बीच में, 18 टू 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट है। ये हो गई एज लिमिट। तो दैट मीन्स पीजीटी में 40 ईयर्स मैक्सिमम आप एलिजिबल हैं और इसमें 35 टीजीटी में और पीआरटी में 30 ईयर्स। अभी चलिए देखते हैं एप्लीकेशन फी क्या लगेगा। एप्लीकेशन फी आपको 750 रुपीस पे करनी पड़ेगी और जब आप एग्जाम देने जाइएगा, अगर आप एग्जाम लिख देते हैं तो एग्जाम के बाद में जो विमेन कैंडिडेट है एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन है तो उनको क्या किया जाएगा, उसको टोटली वो फी जो है रिटर्न कर दी जाएगी और 500 फीस अदर कैंडिडेट्स को रिटर्न किया जाएगा। ये रिफंडेबल है तो दैट मीन्स आपका एप्लीकेशन फी चार्जेस ओनली 250 है, लेकिन फिलहाल आपको 750 या फिर 500 आपको लगेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया 6 अगस्त से, मैं आपको ऑलरेडी बता दी हूँ, लेकिन ये उनकी खुद की वेबसाइट में नहीं आई थी तो इसी वजह से मैं लेट नोटिफिकेशन लेके आई हूँ। और क्लोजिंग डेट है 28 अगस्त 5 बजे तक, 5 PM तक। तो आप अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। इसरो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप ज़रूर इसमें ट्राई करें। और इसमें क्राइटेरिया है आपका, सबसे पहले रिटर्न होगा, देन उसके बाद में इंटरव्यू होगी जो जैसे अदर गवर्नमेंट सेक्टर में होती है। पे स्केल भी आपको अच्छा मिल रहा है। सो ये जरूर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।